एक समाजसेवी संस्था द्वारा रविवार को गोकुल अतिथि भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे एसपी सिटी सोनम कुमार ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि इस रक्तदान शिविर में लगभग 15 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। वहीं रक्तदान करने वाले नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए एसपी सिटी सोनम कुमार ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि इस भारी बारिश में भी लोग आकर रक्तदान कर रहे हैं तथा शहर में होने वाले रक्त की कमी को पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, रक्तदान करने से किसी तरह की समस्या नहीं होती है तथा एक व्यक्ति के रक्तदान करने से 4 लोगों की जान बचाई जा सकती है। उन्होंने कहा, सभी लोगों को रक्तदान के लिए आगे आना चाहिए। इस अवसर पर संस्था की अध्यक्ष सीमा छापड़िया, कोऑर्डिनेटर राजेश छापड़िया, राजू लुहारिका, सुनन्या बंका सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, पूरी बंद कीजिए, पूरी बंद नहीं होने दीजिए। अभी घर में बारी दूर बैठ के करेंगे क्या? धीरे धीरे आराम से हाथ चलाते रहिए ना, तीन मिनट में हो गया। मुट्ठी को धीरे धीरे पंप कीजिए, तो पोलिए बंद कीजिए। माल दे दें आपको, असल कोविड के चलते माल नहीं दे रहे। आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए, श्री प्रकाश प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, आपके भी अथक प्रयास से इस कैंप का आयोजन हमारे ब्लड बैंक के सिंह जी काउंसलर, और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इतना बढ़िया आप लोगों ने आयोजन किया हुआ है। यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ा आप लोगों को बारिश की वजह से, इसके बाद भी सब ने पूरे जोश और खरोश के साथ यहाँ पे ब्लड डोनेट किया है। सर का तो बहुत ही बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत है सर की, इतनी उम्र के बाद भी सर फिट भी बहुत है सर बैठे। और अभी जैसा मुझे बताया जा रहा है कि यहाँ पे हर साल ये होता है और काफ़ी लोग उत्साह के साथ रक्तदान करते हैं। कोरोना के टाइम में इतना अच्छा इनिशिएटिव आप लोग जो ले रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि हम सबको एक समाज में मिलजुल कर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। हमने कोरोना के टाइम पे खास करके देखा है, पुलिस, डॉक्टर और बाकी भी जो समाज सेवी संस्थाएँ हैं, उन्होंने जो कॉन्ट्रीब्यूट किया है सोसाइटी को, तभी हम समाज को बचा पाए और समाज को आगे ले जा पाए। और मेरी पूरी उम्मीद है कि भविष्य में भी जो है इसी तरह का आयोजन करते रहे, और कोरोना या ऐसे जो भी बड़ी बीमारी अगर आती भी है तो हम सब उससे मिल के लड़ें, क्योंकि ये पूरे समाज को एक साथ मिल के लड़ना पड़ता है। एक स्टैटिस्टिक्स में देख रहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध में जितने लोगों की मृत्यु हुई है उससे कहीं ज़्यादा इस बार कोरोना में हमारी हुई। एक बहुत बड़ी क्राइसिस है पूरी सोसाइटी के सामने, पूरे इन्वायरमेंट के सामने, एक महायुद्ध से कम नहीं है। और उस महायुद्ध के जो सोल्जर वो आप लोग, एक एक व्यक्ति जिसने यहाँ रक्तदान किया है, एक एक व्यक्ति जो बैकग्राउंड में रह करके लॉजिस्टिक्स करके जिसने इसे ऑर्गेनाइज कराया है,
वो सब इसके योद्धा हैं और हम सबको मिल करके इस लड़ाई में जीतना है, आगे बढ़ना है। और मैं उम्मीद करूँगा कि आगे भविष्य में भी आप सब ऐसे ही अच्छा कार्य करते रहेंगे और समाज को आगे लेकर। धन्यवाद। ये आज एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। पूरे शहर में बारिश है और लोगों के आने जाने में समस्या है, परंतु फिर भी लोगों ने बहुत ही उत्साह के साथ यहाँ पर आके रक्तदान किया है। और हमने ये भी कहा है कि पुलिस विभाग में भी अगर किसी का रक्तदान का है अभी यहाँ पे, तो यहाँ पे आके करें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। इस कोरोना के टाइम पर हम सबका दायित्व बनता है कि अपने जो फेलो सिटीज़न हैं उनके लिए जितना कुछ कर सके करें। रक्त की कमी हमेशा रहती है, कोरोना के वक्त में और भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो यहाँ जितने भी सम्मानित डॉक्टर्स हैं और बाकी जो लोग हैं इस जो इस NGO से जुड़े हुए हैं, उन सब ने बहुत अच्छा काम किया है। मेरी यही उम्मीद है कि भविष्य में भी ऐसे अच्छा कार्य करते रहेंगे और अब गोरखपुर की शान बनेंगे।